Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony Live app डाउनलोड करें. Sony Live. We live to entertain. इंस्पेक्टर अभिजीत, आप हमारे ऑफिस में? क्या करें, आपकी न्यूज खींच के ले आई है यहाँ पे. कौन सी न्यूज? ये जो आपने छापी आज, ये एक सुपरस्टार कुशल पे किसी लड़की ने आरोप लगाया है. तो आप इस सनसनीखेज खबर की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हमारे स्टार रिपोर्टर अमे ने ही ये खबर छापी है. आई कॉल हिम. अमे? यस मैम. प्लीज आइएगा. यस मैम. या ये लोग सीआईटी से हैं और वो रोशनी वाली न्यूज के बारे में इनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. यस सर, बताइए. ये न्यूज आपको कहाँ से मिली? सर, हमें उस लड़की ने फोन पे बताया कि उसको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट सुपरस्टार कुशल. सो शी वांटेड टू मीट अस. फोन कितने बजे आया था आपको? सर, अराउंड 10:30. तो तुम लोग उससे मिलने गए थे? यस मैम. मैम, उसने हमें बताया कि वो नया नगर में एक कॉफी शॉप पे है, हमसे वहीं मिलेगी. कॉफी शॉप? कौन सी कॉफी शॉप? सर, डुमडुमा कॉफी. क्या बताया उसने कुशल के बारे में? वही सर, जो खबर न्यूज में छपी है. उसने बोला कि आज रात थोड़ी देर पहले एक्टर कुशल ने बीच रोड में उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की वगैरह. उसने कहा और तुमने मान लिया? मैम, उसके पास प्रूफ था, उसकी और कुशल की बीच रोड पे एक साथ फोटो. ये कोई एड्रेस वगैरह दिया उस लड़की ने? नहीं सर, और हमने मांगा भी नहीं. एक्चुअली वो बहुत सैड लग रही थी. ओके अमे जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अरिमा जी. मोस्ट वेलकम. डुमडुमा कॉफी शॉप में जाके देखते हैं, शायद ये लड़की वहां आती जाती हो. एक्सक्यूज मी, सीआईडी, आप जरा ये फोटो देखिए. ये लड़की कल रात यहाँ पे आई थी क्या? हाँ सर, ये तो अक्सर यहाँ आती रहती है. आप उस छोटू से पूछ लीजिए. छोटू? जी सर. तो ये फोटो देखो, ये लड़की कल रात यहाँ आई थी क्या? सर, ये तो रोशनी मैडम है, ये कल रात भी आई थी. ये तो हर रोज आती है साहब. रोज आती है? हाँ साहब, ये हर रोज 1 से 2 के बीच में आती है. ऑफिस का जो लंच ब्रेक होता है ना साहब, उस टाइम पे. किसी ऑफिस में काम करती है ये? कपड़े तो ऑफिस के ही पहनती है, बिल्कुल टिप टॉप रहती है साहब. कौन से ऑफिस में काम करती है? साहब ये तो नहीं पता मुझे. अच्छा, किस तरफ से आती है कुछ मालूम है? साहब वो उस तरफ से आती है. राइट से? जी साहब. राइट साइड में जो बिल्डिंग है वहीं देख लेते हैं, शायद वहीं कहीं ऑफिस हो. एक्सक्यूज मी. यस सर. सीआईडी, जरा ये फोटो देखिए. ये लड़की आपके यहाँ काम करती है? ये तो रोशनी है. कहाँ है ये रोशनी? नम्रता, रोशनी कहाँ है? सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी अभी बाहर गई. चली गई? क्या हुआ उसे? सर, कल रात जो उसके साथ हुआ उसकी वजह से वो थोड़ी अपसेट है. अच्छा, किस तरफ गई है, कुछ मालूम है आपको? सर, इधर कॉरिडोर की तरफ गई है, कह रही थी एक फोन करके आती हूँ, काफी देर हो गई. अच्छा, और भी जरा देखो. कब से काम कर रही है रोशनी यहाँ पे? यही 2 साल. रोशनी, सीआईडी, तुमसे कुछ बात करनी. सीआईडी? ए रुक. रोशनी, छोड़ो,
ये हाथ दो। छोड़ दो प्लीज। हाथ दो अपना। एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए। हटिए, पीछे हटिए, चलो। ये तो रोशनी है। ये नीचे कहां से गिर गई? सर, ये मर चुकी है। माय गॉड, लगता है हमसे बचने के लिए छत पे चली गई और वहां से कूद गई। लेकिन सर, इसके पीछे तो पूर्वी गई थी, वो कहां गई? पंच, ये पूरा एरिया सील करो, इसको फॉरेंसिक लैब भेजो। यस सर। चलो छत पे देखते हैं। हेलो, एम्बुलेंस सर, पूर्वी, 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 क्या हुआ इसे? सर, ये बेहोश है। ओह माय गॉड, जरा पानी लेके आओ जल्दी। पूर्वी, 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 ठीक हो तुम? आराम से आ जाओ। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं। ये कैसे? सिर से खून निकल रहा तुम्हारे? इसको हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। नहीं सर, सर मैं ठीक हूँ। सर, सर रोशनी? रोशनी, शी इज नो मोर, वो नीचे गिर गई। क्या? सर मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन ठीक है, तुमने कम से कम कोशिश तो की है। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारे हाथ से फिसल गई या फिर उसने जबरदस्ती हाथ छुड़ाया? सर, सर जब मैं उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी तब मेरे सर में कुछ लगा और फिर मैं बेहोश हो गई। मतलब तुम्हारे सिर पे किसी ने कुछ मारा? हाँ सर। मतलब कोई यहाँ पे था जो नहीं चाहता था तुम रोशनी को बचा सको, तुम उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, उसने तुम्हारे सिर पे किसी चीज से मारा और तुम बेहोश हो गई। लेकिन सर टेरेस पे तो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। नहीं तो फिर तुम खड़ी हो सकती हो? आराम से, आराम से, हाँ धीरे से। यहाँ पे नहीं था लेकिन आसपास कहीं पे था। ये पत्थर देख रही हो, इस पे खून लगा हुआ है, शायद किसी ने ये पत्थर तुम्हें खींच के मारा, तुम बेहोश हो गई और फिर रोशनी का हाथ छूट गया और मर गई। सर ये कौन हो सकता है? कोई रोशनी का ऑफिस वाला हो सकता है। सर समझ में नहीं आता, इतनी कौन सी बड़ी बात होगी जो उसने अपनी जान दे दी? मुझे तो डर लग रहा है कि सीआईडी आके ऑफिस ना सील कर दे। सर जो भी हुआ है वो सीआईडी के सामने हुआ है, तो इसमें ऑफिस क्यों सील करेंगे? बोलो रोशनी, आप लोगों के साथ काम करती थी और दिन का अच्छा खासा वक्त आप लोग साथ में गुजारते थे, क्या लगता है आपको क्या वजह हो सकती है उसका इस तरह खुदकुशी करने के पीछे? कल रात उस सुपरस्टार कुशल ने जो रोशनी के साथ बदतमीजी की थी उसके बाद रोशनी काफी अपसेट थी। नहीं, बात कुछ और ही है। और कोई बात होगी तो हमें नहीं पता, लेकिन कल जब वो आई थी ऑफिस तब वो नॉर्मल थी। आजकल तो वो बहुत खुश रहती थी, सबसे अच्छे से बात कर रही थी, हंसी मजाक बोलना। सर सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, वो सब काम बहुत दिल से करती थी। आजकल खुश रहती थी मतलब क्या क्या वजह थी, कुछ बताया उसने? आजकल रोशनी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों साथ में रहने लगे थे, दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। बॉयफ्रेंड कौन है उसका बॉयफ्रेंड? एक छोटा मोटा एक्टर है, सिड। सिड कहाँ रहते हैं दोनों साथ साथ? ये तो नहीं पता मैडम। ये सिड तो कुशल का दोस्त था, रोशनी सिट की गर्लफ्रेंड, और दोनों मारे गए। और रोशनी ने कुशल को पर इल्जाम लगाया था कि उसने उसके साथ छेड़खानी की। सर कहीं ये ट्रायंगल लव स्टोरी का कोई चक्कर तो नहीं है? क्या बता, हो सकता है। सर एक अजीब बात और है, सर कुशल ने हमें ये नहीं बताया कि रोशनी उसके दोस्त सिट की गर्लफ्रेंड थी,
हाँ सर, उसके बर्ताव से तो ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार रोशनी से मिला था। Sony Live, we live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony Live app डाउनलोड करें। Sony Live, we live to entertain.